हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया, टुडेज वीडियो इज गोना बी एन अमेज़न बेल्ट हॉल। इस टाइप का मैंने हॉल इससे पहले बिल्कुल भी नहीं किया है। डेफिनेटली मैंने बेल्ट इससे पहले दिखाए हैं, 4-5 दिखाए, बट अ स्पेसिफिक बेल्ट हॉल मैंने कभी भी नहीं किया। बिकॉज बेल्ट एक ऐसा एक्सेसरी है जो कि आपके लुक को बहुत ज्यादा इन्हेंस कर सकता है एंड आपका जो लुक है वो ऐसे लग सकता है, इवन इफ यू डोंट पुट एफर्ट्स इन ड्रेसिंग अप, ऐसे लग सकता है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है ड्रेसअप करने में एंड बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल भी आप लगोगे जब आप इस टाइप के एक्सेसरीज जो है ना आपके आउटफिट में इंक्लूड करोगे। सो मैंने काफी सारे बेल्ट्स लिए हैं एंड ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बेल्ट थे। मैक्सिमम बेल्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 500 या अंडर 400 रुपीज। सो सारे के सारे जो भी बेल्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मतलब कोई भी बेल्ट जो है ना ये सिमिलर नहीं है। सारे के सारे 12 या 13 जो भी बेल्ट मैंने लिए है ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो ना काफी ज्यादा डिफरेंट लगेगा एंड अगर आप पार्ट 2 देखना चाहोगे तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस। So, जो भी मैं आपको बेल्ट दिखाऊंगी सबका मैं एक सिंगल लिंक दे दूंगी, माई हॉल स्टोर का लिंक, जिसपे क्लिक करके आपको सारा का सारा कलेक्शन दिख जाएगा एंड मैं इंडिविजुअल लिंक्स भी दे दूंगी, उससे आपको आसानी होगी अगर आपको इंडिविजुअल लिंक्स चेक करने हैं तो। सो मैंने वैसे तो और भी ऑर्डर किए हैं एंड 3-4 और जो है आने वाले हैं, तो आने वाले हॉल्स में मैं आपको शेयर करूंगी, दिखाऊंगी मैं आपको, बट ये सारे है जो अभी आ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So the first one that I would like to show you all is this ब्यूटिफुल बेल्ट एंड ये एक ब्राउन कलर का बेल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ना थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का बेल्ट है जो कि आप आजकल ना साड़ीज के साथ भी बेल्ट का जो फैशन है ये काफी ज्यादा चल रहा है एंड आप ट्रेडिशनल बेल्ट तो डेफिनेटली अमेजोन पे आपको मिल ही जाएगा, बट वेस्टर्न जो बेल्ट है ना वो भी आप साड़ी के साथ डेफिनेटली पेयर कर सकते हैं। सो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बेल्ट है जो कि वेस्टर्न वेयर है बट आप इंडियन वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज दिस, ये पहनने पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। मैंने इसे एक बार ही पहना था बट आई रियली डोंट हैव अ फोटो टू अटैच। ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है जब आप मैक्सी ड्रेस कोई प्लेन मैक्सी ड्रेस पहनोगे या फिर इवन प्रिंटेड मैक्सी ड्रेसेस के साथ ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा एंड कोई ऐसे टॉप के साथ भी अगर आप पहनोगे तो भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड सिंस इट्स ब्राउन कलर आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा। सो अगर आपको इंस्पिरेशन लेना तो आप गूगल पे डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं ब्रॉड बेल्ट, हाउ टू स्टाइल ब्रॉड बेल्ट इस टाइप से। सो ये फर्स्ट मैंने लिया है जिसकी क्वालिटी जो है ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, इसे एक सिंगल साइज में ही आपको मिल जाएगा तो ये बहुत सारे साइजेस को फिट हो जाएगा क्योंकि इसका जो बैंड है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है। सो ये फर्स्ट मैंने लिया है एंड आप देख सकते हैं बकल एंड ऑल भी काफी ज्यादा सुंदर है। सो ये मैंने फर्स्ट लिया है। उसके बाद आई गॉट दिस बेल्ट। सो ये एक बेल्ट है ऐसा जो कि आप वेस्टर्न वेयर के साथ तो पहन ही सकते हैं या फिर अगर आप इंडियन वेयर के पहनना चाहे तो भी बहुत इजीली पहन सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे ना फेदर लगा हुआ है, ये फेदर बना हुआ है इस टाइप का एंड इसका जो ओपन एंड क्लोजर है ना वो कुछ इस टाइप का है, हुक दे रखा है तो कुछ भी हो ये बिल्कुल निकलेगा नहीं एंड ये सारे के सारे साइजेस को बहुत इजीली फिट हो जाएगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है। सो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ना फेदर दे रखा है, बट अगर आप और भी डिजाइन चेक करना चाहते हैं तो मैं माई हॉल स्टोर के लिंक में और भी 3-4 और डिजाइन दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। देयर वर वेरी ब्यूटिफुल रोजेस एज वेल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स थे तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड ये जो है ना आप गाउन्स के साथ, साड़ीज के साथ, मैक्सी ड्रेसेस के साथ बहुत ज्यादा इजीली पेयर कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद मैंने ये एक बेसिक सा ब्राउन बेल्ट लिया है बिकॉज ब्राउन एक बेसिक सा बेल्ट लिटरली होना चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है अगर आप कोई मैक्सी ड्रेस पहन रहे हो एंड वो बहुत ज्यादा इल फिटिंग का है उसके साथ अगर आप बेल्ट पेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा इंस्टेंटली बहुत फिटिंग का लगेगा। सो ये बेल्ट मैंने उसी पर्पज के लिए लिया है एंड इसका जो बकल है ना ये बहुत ज्यादा सुंदर सा बकल है। यू एक्चुअली हैव टू टाई दिस, इस तरीके से आपने टाई करना है इसको एक और बारी इस तरीके से एंड मैं इमेज जैसे कि मैंने इमेज दिया है उस इमेज में आप चेक कर सकते हैं ना। इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे तो आप आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, वार्डरोब के अकॉर्डिंग कलर्स भी चूज कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट वन।
उसके बाद मैंने ये वाला एक ब्लैक बेल्ट लिया. नाउ ये ना मैंने ब्लैक में लिया बट इसमें एक व्हाइट कलर भी अवेलेबल था एंड एक ब्राउन कलर भी अवेलेबल था, तो वो कलर्स भी आप चेक कर सकते हैं. सो ये कुछ इस टाइप का बेल्ट है. नाउ ये भी सारे साइजेस को फिट हो जाएगा एंड ये कुछ इस टाइप का लगता है. सो इसका जो ओपन एंड क्लोजर है ना, ये कुछ इस तरीके से है. सो यहाँ से आप इस तरीके से इसे क्लोज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये भी आप कोई भी टॉप के साथ या फिर थोड़ा सा लॉन्ग अगर ट्यूनिक हो जिसे आप लेगिंग्स के साथ पेयर करो, उसके साथ भी ये काफी ज्यादा सुंदर लगेगा. सो दिस इज द नेक्स्ट बेल्ट दैट आई गॉट, जिसकी क्वालिटी अगेन काफी अच्छी है. उसके बाद आई गॉट दिस बेल्ट, जो कि चेन के जो बेल्ट है ना, ये काफी ज्यादा चल रहा है आजकल. सो ये वाला बेल्ट मैंने लिया, ये दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा था. सो दिस इज हाउ द बेल्ट लुक्स लाइक. इसे ऑब्वियसली आप लूज एंड टाइट कर सकते हैं. नाउ ये जो बेल्ट है, ये भी अगेन आप वेस्टर्न वेयर एंड साड़ीज के साथ, एथनिक वेयर के साथ इजीली पहन सकते हैं. ये जैसे कि शिफॉन की साड़ीज, जॉर्जेट की साड़ीज के साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड अगर आपका कोई शॉर्ट ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है जो कि अगेन इल फिटिंग का है, उसके साथ भी आप पेयर कर सकते हैं. एंड जो फिटिंग का ड्रेस है उसके साथ भी आप डेफिनेटली पहन सकते हैं. सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बेल्ट मिल जाएगा. इसमें आपको एक बहुत ज्यादा क्यूट सा चार्म भी है. नाउ इसमें बहुत सारे और भी पैटर्न्स थे, वो पैटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं. एंड इस टाइप का जो बेल्ट है ना, सब्यसाची में मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर. एनीवे ये उसी टाइप का बेल्ट है. तो अगेन सब्यसाची का अगर आप कलेक्शन देखोगे तो बहुत तरीकों से साड़ीज के साथ भी पैर के, तो वहाँ पे भी आप इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं. सो ये मैंने लिया है. नेक्स्ट उसके बाद आई गॉट दिस. सो ये जो बेल्ट है ना, अगर आपका कोई भी ट्राउजर या जीन्स थोड़ा सा लूज हो रहा है, वी ऑल हैव दैट वन और टू जीन्स जो कि हमें बिल्कुल फिट नहीं होता और वो एकदम कोने में पड़ा रहता है, तो उस चीज़ के लिए ना मैंने ये लिया है. मेरे पास एक टॉमी हिलफिगर का जीन्स मैंने लिया था अमेजोन से ही, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लूज है क्योंकि टॉमी हिलफिगर का जो साइजिंग है ना, दैट्स वे ऑफ. मतलब एक साइज आपने छोटा लेना होता है और मुझे पता नहीं था, मुझे सस्ते में मिल रहा था, मैंने ले लिया और वो वैसे का वैसा ही पड़ा. तो मैंने सोचा कि उसका कुछ करना चाहिए, बिकॉज जब बेल्ट पहनते हैं ना तो आगे से वो बहुत अजीब सा लगने लगता है. तो आई रियली डोंट लाइक वेयरिंग बेल्ट्स विथ लूज जीन्स, इट्स समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक. सो उसके लिए मैंने ये लिया है. नाउ ये क्या है ना, सामने जब आप टाई करते हो तो साइड में जो लूप दे रखा होता है ना, उस लूप में आपने ये लगाना है, दूसरे लूप में आपने ये लगाना है. किस तरीके से लगाना है, ये ओपन होता है. सो इस तरीके से जब आप लगा लोगे तो सामने से बिल्कुल भी गैदर नहीं होगा, बट पीछे से गैदर होगा. एंड पीछे से जब आप गैदर होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप इसे इस तरीके से पहनोगे तो ये पीछे से या साइड से गैदर होगा, जो कि आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो. एंड टॉप के साथ वो खराब भी नहीं लगेगा. तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज है. एंड ये जो है ना, मेन विमेन दोनों यूज कर सकते हैं. इसमें कलर्स भी अवेलेबल है. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक. सो ये मैंने लिया है. नेक्स्ट उसके बाद आई रियली वांटेड दिस. सो दिस इज अ ब्रॉड कॉर्सेट काइंड ऑफ बेल्ट. इसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको. सो ये ब्लैक पैटर्न मैंने लिया है एंड दिस इज लुक्स लाइक. ये बेसिक सा कॉर्सेट काइंड ऑफ बेल्ट है. सो ये कुछ इस टाइप से लगता है. इसमें आपको फॉल लेदर मिल जाएगा एंड पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे इस टाइप से वेलक्रो लगा हुआ है. ये भी अगर आपका कोई भी साइज है ना, आप डेफिनेटली इसे यहां पे बस्ट एरिया के नीचे पहन सकते हैं एंड इट्स गोना लुक एब्सोल्युटली शीक. ये मैंने देखा है कि रेड एंड बेसिक जो सॉलिड टॉप्स है उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से लोग पेयर करते हैं. तो आई रियली वांटेड टू डू दैट. एंड बूट्स के साथ भी काफी अच्छा लगता है. तो ये मैंने लिया है. नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आई डू नॉट हैव समथिंग लाइक दिस, सो आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ. सो उसके बाद आई हैव दिस बेल्ट. नाउ ये जो बेल्ट है ना, ये साड़ीज के साथ काफी ज्यादा चलता है. आप गाउन्स के साथ भी पहन सकते हैं इसे. सो दिस इज हाउ द बेल्ट लुक्स लाइक. नाउ इसमें आपको, मैंने गोल्डन कलर लिया है बट इसमें आप सिल्वर कलर भी ले सकते हैं आपके साड़ी के अकॉर्डिंग या फिर आपके वार्डरोब के अकॉर्डिंग. सो ये इस टाइप का मेटल का बेल्ट है एंड इसमें आपको इस टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगा. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेन लगा हुआ है. तो अगेन ये भी कोई भी साइज़ को फिट आ जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो इंस्टेंटली आपके आउटफिट को जैज कर देगा अगर आप इस टाइप के एक्सेसरीज यूज़ करोगे तो. सो ये मैंने लिया है. उसके बाद आई गॉट दिस रेड बेल्ट. एंड ये जो बेल्ट है ना, ये आपको और भी कलर्स में मिल जाएंगे, बट मुझे एक रेड चाहिए था क्योंकि मेरे पास ब्राउन था, वाइट था, ब्लैक था, ब्राउन था, तो रेड मेरे पास नहीं था. सो इसलिए मैंने रेड बेल्ट लिया. एंड इसे इस टाइप से आप बकल कर सकते हैं इस टाइप से एंड ये काफी ज्यादा सुंदर लगेगा. ये भी सारे के सारे साइजेस को फिट हो जाएगा. लाइक
सारे के सारे एज इन एक्सेल डबल एक्सेल इस टाइप के साइजेस को ये आराम से फिट हो जाएगा. एंड अगर आप थिन भी हो तो भी आपको ये आराम से फिट हो जाएगा. सो ये मैंने लिया है एंड ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है एंड इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे. सो ये भी आप ले सकते हैं. उसके बाद आई गॉट दिस बेल्ट. सो ये ना अगर आप पापा रोन प्रीच वाला जो ब्रांड है उसमें अगर आप देखोगे तो दे मेक सम रियली नाइस बेल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इन स्टाइल इन ट्रेंड चल रहा है. तो बेल्ट में ना इस टाइप का छोटा सा एक पॉकेट होता है जिसमें आप चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं. सो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस टाइप का कुछ लिया जाए. एंड दिस इज़ द ओनली बेल्ट दैट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव. बाकी सारे के सारे जो बेल्ट हैं ना बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है. सो ये फर्स्ट आपको इसमें ये थ्री यू नो पार्ट्स मिल जाएंगे. एंड ये फर्स्ट ये बेल्ट है जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गॉथिक टाइप का बेल्ट है. सो इसे तो आप एज इट इज पहन ही सकते हैं. इसके साथ साथ ये पाउच आता है जो कि आप वेस्ट में हैंग कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पूरा का पूरा लाइक चेन दे रखा है जो कि आप बेल्ट में थोड़ा सा यू नो टांग सकते हैं. यू कैन सो इट्स लाइक दिस. एंड ये आप इस तरफ से एक बेल्ट पे लगा सकते हैं. दूसरे वाले हुक पे आप ये लगा सकते हैं. या फिर अगर आप चाहे तो अगर आप कोई जीन्स पहन रहे हैं तो जीन्स के भी लूप्स पे आप लगा सकते हैं एक साइड पे ये एंड एक साइड पे. एंड काफ़ी ज़्यादा इंट्रेंड चल रहा है आजकल. या फिर अगर आप सिर्फ चेन लेना चाहते हैं ओनली चेन लेना चाहते हैं तो भी ओनली चेन भी अवेलेबल है. तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. तो अगर आपको ओनली चेन लेना है तो भी आप ओनली चेन ले सकते हैं. सो इस टाइप का है ये एंड इसमें आपको ये थ्री पार्ट्स में आता है. तो आप टोटल ये यू नो काफ़ी अच्छा है. ऑफकोर्स अगर आपको ऐसे टाइप की चीज़ें पसंद है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ये जो है ना ये इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड लास्ट मैंने जो बेल्ट लिया है वो मैंने ये वाइट कलर का बेल्ट लिया है. इसमें शायद एक ही सिंगल कलर अवेलेबल था बट आई रियली लाइक दिस वाइट बेल्ट. ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा बेल्ट है एंड दिस इज हाउ द बेल्ट लुक्स लाइक. इसमें आप देख सकते हैं ये जो बकल है ना बहुत ही ज़्यादा डेंटी सा बकल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंटी सा बेल्ट भी है. तो आप इसे यू नो बहुत तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हैं. अगर आपको ये के साथ भी पहनना है तो भी अच्छा लगेगा. ड्रेस के साथ भी जीन्स के साथ भी ये काफी ज्यादा सुंदर लगेगा. इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी. सो ये बेल्ट मैंने लिया. सो दैट कंप्लीट्स माय हॉल. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वाला हॉल वीडियो कैसे लगा. लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू कैन चेक आउट माई सेकंड चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.